वेलकम टू थर्ड आइज, तीसरी आंख में आपका स्वागत है। रामदेव जी विज्ञान व तर्क को बकस कर अपने काम से काम रखिए। एम्स के डॉक्टर द्वारा एक बड़े कारोबारी संस्थान के मालिक रामदेव को लिखा गया एक पत्र है। पत्र इस तरह लिखा गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, तो बने रहेंगे आप तीसरी आंख में। ये डेढ़ आंख के बाबा को जो पत्र लिखा गया है एक डॉक्टर के द्वारा, ध्यान से सुनेंगे। प्रिय रामदेव यादव जी, पहली बात, सबसे पहले तो यह कि मैं आपके नाम से पहले बाबा नहीं लगा रहा हूँ। इसका सीधा सा कारण है कि मेरे लिए बाबा शब्द फरीद शाह, बुल्ले शाह और रहमान बाबा जैसे लोगों के लिए है। मेरी ईमानदार राय यह है कि इसमें भू बाबा होना आप जैसे सफल बिजनेसमैन के लिए दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बाबा, बाबा फरीद गंज ए शंकर ने कभी कहा था कि अगर तुम संत होना चाहते हो तुम्हें राजा के परिवार से दूर रहना चाहिए। बहरहाल मैं आपके द्वारा हाल ही में एलोपैथी और उसके चिकित्सकों का मजाक उड़ाए जाने पर आता हूँ। मैं आपके इस अघोषित उपहास के पीछे की कुंठा को समझ सकता हूँ। आखिर एक बीमार इंसान किसी भी शिफा यानी इलाज देने वाले के लिए सबसे आसान दांव होता है। यहाँ शिफा देने वाले से मेरी मुराद शिफा के सारे तौर तरीके वालों से है। इस देश के कमजोर बीमार जिसे सरकारों ने वास्तव में प्राय कर रखा है को शिफा देने वाले पैसा लूटने का मौका मान सकते हैं, क्योंकि आपके सीधे सरल शब्दों में बात करना पसंद है। तो यह वैसा ही है जैसे शिकारी कुत्ते को मांस की खुशबू आ जाए। बेशक इस वैश्विक महामारी ने ऐसे शिकारी कुत्तों के लिए खासा मांस उपलब्ध करवाया है कि आए और दावत उड़ाए। पर रामदेव जी, शिकारी कुत्ते भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वे अपनी ताकत और खास बात यह है कि अपनी सीमाओं और कमजोरियों की भी इज्जत करते हैं। यह अलग बात है कि शिकारी कुत्तों से भी पूरे सियार होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि यह अलग बात है कि शिकारी कुत्तों से भी पूरे सियार होते हैं। वे कायर होते हैं, जो भूख के समय चीखते हैं, गुस्से के समय चीखते हैं, जो अपने दुश्मन को अपने से ताकतवर जानकर चीखते हैं और अध खाए मुर्दे लाश को लेकर चले जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम सियारों की तरह तो न पेश आए। अपने एलोपैथी और डॉक्टर की जिस बेहुदा तरीकों से निंदा की है उससे मेरा ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि आप अहंकार का सही रूप इस समय बाहर आ गया है और आप उसमें बह गए हैं। आप जैसे मूर्ख व्यवसायी से ऐसी टिप्पणियों के अलावा उम्मीद भी क्या की जा सकती है? या आप इतने नादान थे कि आपको मेरी बिरादरी की प्रतिक्रिया का आभास नहीं हो? मुझे नहीं लगता कि आप इतने बेवकूफ हैं यादव जी। आपकी तरह सब अपने हितों की रक्षा करते हैं, डॉक्टर्स भी। आइए वीडियो में कही बात को रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। आपकी एलोपैथी और डॉक्टर को लेकर कही गई बातें अवैज्ञानिक तो थे ही, आपकी जिहालत की महक भी दे रही थी, नफरत से भरी जिहालत। जब जिहालत नफरत से जुड़ती है इतना खतरनाक रसायन बनती है कि नफरत करने वालों को भी झुलसा देती है। सच तो यह है कि आपकी तरफ से ऐसी जिहालत मैंने कई मौकों पर देखी है, पर उसकी बात आज करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप पहले से ही अपनी बेवकूफाना टिप्पणियों की वजह से इतने दबाव में हैं। तो बेहतर है कि यह बात करें कि आप मेरी बिरादरी से क्यों माफी मांगेंगे। और तो भी तब जब पेशेवर एलोपैथ देश के स्वास्थ्य मंत्री से आपकी दोस्ताना नजदीकियां हैं। आपके द्वारा एलोपैथी की निंदा में मुझे केवल आप में ज्ञान की कमी ही नहीं, मिथ्या आत्म प्रशंसा यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की भी झलक मिल रही है। आप अपने आयुर्वेद के विज्ञान के लिए इतने परम भाव में हैं कि मुझे आप पर संदेह हो रहा है।
परमभाव यानी श्रेष्ठता बोध तार्किकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के आपके दावे हास्यास्पद हैं। रामदेव जी, आपको एहसास भी है कि आप कैसे पूरी दुनिया के लिए मजाक का विषय बन गए हैं कि आप कई वीडियोज में ब्लड कैंसर को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। हाँ, यह मुमकिन है कि ब्लड कैंसर के कुछ मरीज आपकी देखरेख में राहत पाने लगे हों, पर इलाज का ऐसा पक्का दावा कोई मूर्खता से कम नहीं है। मुझे पता है कि आपके ऐसे दावों के पीछे आपके आर्थिक हित हैं, पर सोचिए, आपके इस परम भाव से आपको और आपके 9500 करोड़ के साम्राज्य को क्या मिलेगा। इसलिए मैं आपको एहतियात बरतने की सलाह दूंगा। बड़े बड़े दावे, चाहे आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी ही क्यों ना करे, को जांच और वैधता की जरूरत होती है, पर आपका यह परम भाव आपके क्षेत्र और शब्दों के खतरे में डाल देता है। जब हम सब संदेह की दुनिया के बासिंदे हैं। डॉक्टरों से सवाल पूछना जायज है, पर विज्ञान की कसौटी पर कसे बिना उनके कामों के बारे में नतीजे निकालना पाप है। उदाहरण के तौर पर, मेरे बहुत से लीवर स्पेशलिस्ट दोस्त गिलोय रसायन के घातक प्रभाव के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल आपकी जादुई दवा कोरोनिल में होने की जानकारी मुझे मिली है। वे लीवर पर गिलोय के महत्वपूर्ण टॉक्सिस असर देख रहे हैं, पर वे अपने नतीजों को जांच रहे हैं। वे उनकी वैधता का इंतजार कर रहे हैं। अपने नतीजों को दुनिया के सामने पेश करने से पहले वे अपनी ही धारणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। एलोपैथी ऐसे ही अपना काम करती है। रामदेव जी, ऐसे ही विज्ञान अपना काम करता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं जानता हूँ कि आपके दिल में कहीं एलोपैथी और विज्ञान के लिए गहरा आदर है, वरना आप हर बार किसी बीमारी के इलाज के दावे के समय एलोपैथी के डॉक्टर को स्टेज पर क्यों बुलाते भला। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिनमें आप डॉक्टर से अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कहते हैं। वाकई अजीब बात है। ये मेरे और आपके क्षेत्र के बीच की लड़ाई ही नहीं है। अगर आपके हित आर्थिक हैं भी, तो विज्ञान और तर्क की जीत होनी चाहिए। मैं विज्ञान के साथ हूँ और विज्ञान ने मुझे यही सिखाया कि अपनी धारणाओं पर संदेह करूँ, परम भाव को खारिज करूँ और तथ्यों को जांच के लिए पेश करूँ। मेरा ख्याल है कि अपने क्षेत्र के ऐसे बेहद सफल बिजनेसमैन के रूप में आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विज्ञान और तर्क को आप हमारे लिए रहने दीजिए। याद रखिए कि इतिहास किसी को नहीं बख्शता, चाहे वे अनैतिक डॉक्टर हों, अन्यायी शासक या ढोंगी बाबा। खबर कैसी लगी? चैनल पर बने रहेंगे। ये तीसरी आंखें हैं। कमेंट पर अपनी राय दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। फिर मिलेंगे आपको हम एक नई खबर पर।